हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। सैमसंग गैलेक्सी M32 जिसे कंपनी 21 जून को लॉन्च करने वाली है। लॉन्च से पहले मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि गैलेक्सी के M32 को बाई करने के लिए वेट करना चाहिए या फिर सैमसंग गैलेक्सी M31 ही बेटर रहेगा। तो मैंने सोचा सारे कमेंट का आंसर देने से अच्छा है कि इन दोनों स्मार्टफोन का एक कंपेरिजन वीडियो बना दिया जाए। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से आप लोगों के लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, जानने के लिए वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिए। दोनों स्मार्टफोन के प्राइस की अगर बात करी जाए तो सैमसंग गैलेक्सी M31 को भी आप लोग 16,000 रुपए से कम के प्राइस में बाई कर सकते हैं। वहीं सैमसंग गैलेक्सी M32 को कंपनी 16,000 रुपए से कम के प्राइस में लॉन्च करने वाली है। तो दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में आप लोगों को ज्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलता है। परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए तो सैमसंग गैलेक्सी M31 में सैमसंग का एक्जिनोस 9611 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 6GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। वहीं सैमसंग गैलेक्सी M32 में मीडियाटेक का हेलियो G85 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 4GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। अब आप लोग जानना चाह रहे हो कि इन दोनों में से किसमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा गेमिंग के मामले में। तो आप लोगों को मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि सैमसंग एक्जिनोस 9611 एक पुराना प्रोसेसर है, पर फिर भी आप लोगों को सैमसंग के M31 में गेमिंग के मामले में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा सैमसंग के M32 के मुकाबले में। डिस्प्ले सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो सैमसंग गैलेक्सी M31 में 6.4 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, पर डिस्प्ले में कोई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। वही सैमसंग गैलेक्सी M32 में 6.4 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले में आप लोगों को 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। तो सैमसंग गैलेक्सी M32 में आप लोगों को एक एडवांटेज ये देखने को मिल जाता है कि डिस्प्ले में आप लोगों को एक अच्छा रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है 16,000 रुपए से कम के प्राइस। कैमरा सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो सैमसंग गैलेक्सी M31 में बैक में क्वाड रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। 64MP का मेन प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बाकी के तीन कैमरे 8+5+5MP के देखने को मिल जाते हैं विथ LED फ्लैश लाइट के साथ। साथ ही साथ सेल्फी के लिए 32MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही सैमसंग गैलेक्सी M32 में भी आप लोगों को बैक में क्वाड रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। 64MP का मेन प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बाकी के तीन कैमरे 8+5+5MP देखने को मिल जाते हैं विद एलईडी फ्लैश लाइट के साथ। साथ ही साथ सेल्फी के लिए 20MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो मतलब बैक के मामले में तो आप लोगों को दो बिल्कुल एक जैसा ही कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, पर सेल्फी के मामले में थोड़ा सा कमजोर नजर आता है सैमसंग का M32, क्योंकि गैलेक्सी के M31 में 32MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, पर सैमसंग गैलेक्सी M32 में सिर्फ 20MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि इस स्मार्टफोन का एक माइनस पॉइंट भी कह सकते हैं। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो दोनों स्मार्टफोन में 6000mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। 15W के फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर की अगर बात करी जाए तो सैमसंग गैलेक्सी M31 में बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, वही सैमसंग गैलेक्सी M32 में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों में से आप लोगों के लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है 16,000 रुपए के प्राइस में। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि गैलेक्सी के M32 से बेटर है कि आप लोग अभी भी सैमसंग गैलेक्सी M31 को ही बाय करिए।